नमस्कार, जामी और ऑन होस्ट अली जमीर जी मैन, यू आर वाचिंग द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ऑन कैमरा। व्यूअर्स, आज मौजूद है लेक सिटी में और यहाँ पर चल रहा है बहुत धमाकेदार किस्म का कॉन्सर्ट और साथ ही साथ चल रहा है फूड फेस्टिवल। यहाँ पर बहुत सारे खाबे मौजूद है और खानों से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद है जो खा रहे हैं, पी रहे हैं और कर रहे हैं एंजॉय। हम यहाँ पर लोगों से करेंगे बातें और जारी रखेंगे अपने फन को ऑन कैमरा के साथ। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रमशा। रमशा क्या कर? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा पेज है रैम्स किचन के नाम से, होम बेस्ड है, तो मैं अपना स्टॉल लगाया हुआ है मैंने। तो ये मतलब कुकिंग आपका पैशन है? बहुत शौक है मुझे का। तो इसे प्रोफेशन भी बना लिया? हाँ जी। इसको वो क्यों? बस दिल करता था। आप मैरिड है? मैरिड हूँ मैं। तो उनको ज्यादा ज्यादा खाने खिलाती होंगी अपने हस्बैंड? हाँ जी, हाँ जी जरूर। मोटा कर दिया उनको? नहीं, पतले ही है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात? पक्की बात है। अच्छा, इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? इवेंट अच्छा है और सबको आना चाहिए, फैमिली इवेंट है और सारे आए एंजॉय करें। अच्छा, आई हैव सम क्वेश्चंस, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने काफी लोगों से किया, मैं आपसे भी करता हूँ। वो ये कि आपको क्या लगता है घर में खाना कौन मजेदार बनाता है? खवातीन में शादी के बाद बहू मजेदार बनाती है या सास? दोनों। नहीं, किसी एक का बताए। अकॉर्डिंग टू यू कौन बनाता है? मेरी सास। ये आपने उनसे सीखा? ये मैंने उनसे नहीं सीखा, लेकिन घर में खाना वो ही बनाती हूँ और बहुत मजे का बनाती। पक्की बात? पक्की बात है, मैं नहीं बनाती। देख ले, मैं बाकी नहीं बनाती हूँ। मैं आपके बिजनेस पे इफेक्ट कर सकता हूँ? मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं ये काम करती हूँ और वो मुझे पूरी। मजाक करो, ये मेरा ट्रिकी क्वेश्चन है। सारी जो खवातीन बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत बनाती है ना, मैं तो बेकिंग कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स, हमने से बात की और भी लोग हैं, उनसे करते हैं बात। आइए। मिलीहा। क्या करती हैं? मैं MBBS पढ़ रही हूँ। इतनी मुश्किल चीज़ क्यों चूज़ कर लिया? मैं दिल कहता है। कौन से ईयर में? फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट। डॉक्टर बनने वाली हैं? जी बिल्कुल। क्या करेंगे डॉक्टर बनके? सबसे पहले अपनी जॉब शुरू करूँगी। पक्की बात? पक्की बात। आप क्या करती हैं? A-level स्कूल में हूँ। स्कूल में? जी। वेरी गुड। अच्छा, खानों की शौकीन है आप? बहुत ज़्यादा। और आप? बहुत ज़्यादा। लगता तो नहीं है आपकी सेहत देख? कोई बात नहीं, छुपाया। अच्छा, तो अच्छा, आई हैव सम क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। आपने कभी लाइफ में कोई झूठ बोला है ऐसा जिसपे प्राउड फील हो गया यार, लाशें बिछा? कोई भी ऐसा झूठ नहीं बोला यार किसी फ्रेंड्स के साथ या? नहीं नहीं नहीं, बंक मारने से रिलेटेड या मजा आया उस झूठ बोल? झूठ बोल के प्राउड जो फील करता है वो पागल ही है। ये कैसे? आपने छोटे छोटे बोले हैं, आई डोंट थिंक ज्यादा बड़ा बोला है। कभी झूठ नहीं बोला? नहीं बोले हैं, बहुत झूठ बोले। क्या सबसे प्राउडली जो आप बोला हो झूठ बाद में प्राउड फील किया हो? प्राउड तो कभी नहीं, हमेशा रोई हूँ। रोई है? इनकी ना रिजेम्बलेंस किसी से मिलती है शायद, कोई सेलिब्रिटी वगैरह से? मैं मुझे इस वक्त याद नहीं। नहीं, रिजेम्बलेंस लेने, आप ब्यूटीफुल हैं दोनों ही, मैंने वैसी है बात करना। थैंक यू। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी वर्ष, हमने इनसे बात की और भी लोग हैं, उनसे करते हैं बात रॉयल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इब्राहिम। आपका? सोफिया। क्या करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी मुश्किल चीज़ इंजीनियरिंग यार, बस करा रहा है अल्लाह ताला। कौन सी इंजीनियरिंग कर रही है? सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्या वो जो ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। आप क्या करते हैं? मैं मेडिसिन पढ़ रही हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ। मैंने काफी लड़कियों से बात किया, ज्यादातर MBBS। बहन है आपकी? जी हम सब बहने हैं। पूरी फैमिली डॉक्टर? जी। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आप भी इनकी फैमिली के ही हैं? मेरी फैमिली के। वो थ्री इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें वायरस और कोई इस तरह का सिस्टम तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात की बात है? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, आप फूडीज हैं, खाने के शौकीन हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप भी? जी बिल्कुल। खाना अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा। बनाना अच्छा लगता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों? आता ही नहीं है बनाना, इसलिए। खाना सीखना चाहिए या नहीं आपको? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सीखना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सीखा। अच्छा, कौन घर में खाना मजेदार बनाते हैं, आप या आपकी मामा? मेरी मामा ऑब्वियसली। आपको तो खैर बनाने नहीं आता, सॉरी मेरी गलती। अच्छा, झूठ कभी बोला आपने? झूठ? ऐसा झूठ के लगा हो के यार तबाही फेर दी, मजा आया झूठ बोलने का? नहीं ऐसा तो नहीं कहीं बोला और याद तो नहीं है। नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव। बस यही होता है ज्यादा से ज्यादा कि मतलब
नहीं झूठ वैसे ऐसा याद नहीं है कोई के बोला, मतलब मैं पॉजिटिवली ऐसे बोल रहा हूँ कि यार फ्रेंड सामने बैठा है उसकी टांग खींचने के लिए क्लास में नॉलेज इस तरह का ना, ऐसी चीजें सबने की होती है, ऐसी चीजें की तो मजा आया कि यार तेरी मैंने सही वॉट लगाई। हाँ ऐसा तो है, बोले ऐसा तो हाँ जी सबने किया। और आप? मैंने भी बोला होगा। क्या झूठ बोला? अभी बंक मारा और घर में पता ना चला होगा, बंक बजा और पता नहीं चला मामा को मेरी बल्ले बल्ले हो। बिल्कुल मारा होगा लेकिन अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ, लेकिन बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। और आप क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? What do you have to say about this event? हम तो बहुत ज्यादा आते हैं, हमारा घर भी बहुत करीब है और बस हमेशा की तरह दे always deliver, बहुत अच्छा इवेंट होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नाइस मीटिंग यू। जी व्यूअर्स हमने इनसे बात की, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और भी लोग हैं उनसे करेंगे बात रॉयल के साथ, आइए। हना, सबीर, अंसर, एहसन, ताहा, बड़े अच्छे नाम है, मुझे याद नहीं हुए, ठीक है। अच्छा क्या करती हैं आप? मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। और आप भी इसी से रिलेटेड तो नहीं कुछ करते? आप ही समझे। ठीक है। अच्छा मुझे बात बताएं कि ये क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही है, क्यों लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं? लाहौर सोल फेस्ट हो रहे हैं इसलिए घूम फिर रहे हैं। आपको क्या लगता? बहुत नदीदे लोग हैं लाहौर में तो इसलिए खाने आ गए। आपको क्या लगता? लाहौरियों को भूख लगती है, खाना खाने पहुँच गए हैं। मुझे लग रहा है आपको भी बहुत लग रहा है। हाँ मैंने बहुत खा लिया। मैं भी यही फिगर आउट करने, ये बटों के लिए खाने का एक स्पेशल इंतजाम है, वसी तरह इंतजाम है। मैं इन्हीं की बात से मुत्तफिक हूँ। अच्छा अब तक क्या क्या खा लिया? बहुत कुछ खाया, गिना नहीं जा सकता। मजे का सब कुछ या बस हमें एवरेज? कुछ मजे का है कुछ बस। आपको खाना अच्छा लगता है? खाना किसको अच्छा नहीं लगता, खाना सिर्फ अच्छा ही लगता है या बनाना भी अच्छा लगता है? दोनों चीजें, लेकिन खाना कुकिंग आती है? आती है पर खाना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा कौन खाना मजेदार ज्यादा बनाते हैं, आप या आपकी मदर? अम्मा ऑफ कोर्स। आपको तो आते ही नहीं, सॉरी मैं भूल गया था। आता है पर। अच्छा आई हैव सम क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि मैंने काफी लोगों से पूछा, वो आपसे पूछ लेता हूँ। झूठ, झूठ कभी बोला है ऐसा कि लगा हो के यार तबाही फिर गई है? बोला है हाँ। क्या? मैं आपको क्यों बताऊंगी। मैं कोई नेगेटिव झूठ की बात नहीं कर रहा, जैसे फ्रेंड्स की टांग खींचने के लिए हम करते हैं इस टाइप का, कोई पॉजिटिव जो भी बोला मैं आपको नहीं बताऊंगी। बताए ना? ना ना ना। आप? नहीं मैं झूठ नहीं बोलती यार, आप तो बता ही दो। रोज बोलते हैं उसके बगैर सांस नहीं आता। क्या बोला है? कोई एक इंटरेस्टिंग सा बताओ। इंटरेस्टिंग सा? अब वही बताओ। मैं ठीक हूँ। ये कोई कॉन्वर्ट है? हाँ इसमें बहुत कुछ छुपा है, इसमें वो भाई भी ऐसे ने उनको पता लग गया, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप भी यही कहेंगे मैं ठीक हूँ? नहीं नहीं मैं ठीक ही रहूँ हमेशा, मैं झूठ नहीं बोलता। और यही सबसे बड़ा झूठ। अच्छा आप? अपेरेंटली मैं घर से पढ़ने के लिए आया हुआ हूँ। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ से जाना बनता। चलो यार थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स हमने से बात की, बहुत अच्छा लगा, और लोग हैं फैमिलीज हैं, हम करते हैं उनसे बात आपके साथ, आइए। सेठी। आपका? मुज्तबा। आपका? मोहम्मद। क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ अभी। क्या पढ़ते हो? आर्किटेक्चर। आप? मार्केटिंग। आप? मार्केटिंग फाइनेंस। मार्केटिंग फाइनेंस, आप भी मार्केटिंग फाइनेंस कर रहे? मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड यार, मार्केटिंग की जो फील्ड है ना यार, इसमें बहुत स्कोप है, ये आगे भी इससे कंटिन्यू किया है, बहुत स्कोप है। अच्छा क्या चल रहा है ये यार, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, व्यूअर्स को। ये सोल फेस्ट चल रहा है, वैसे तो कोक फेस्ट होता था, इस साल सोल हो गया है, लास्ट ईयर से तो इतना मजा नहीं आ रहा, कल मैं आया था इतना मजा नहीं आ रहा था, दिल रो रहा था मेरा बहुत। अच्छा तो खाने आपको पसंद है, खाना खाना ज्यादा पसंद है? नहीं नहीं बस मॉडरेट यार, लग तो नहीं रहा बस, लगता किसी को भी नहीं है बस, पक्की बात। अच्छा ठीक है यार, मुझे आज का मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि लाए झूठ, झूठ कोई ऐसा बोलो जिसमें लगा हो यार मजा आ गया झूठ बोलने का। कौन सा? देखिए सोचना पड़ेगा। हाँ वही, ये बड़ा नहीं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट पॉजिटिव सेंस में कि यार बस मजा आ गया झूठ बोलने। हमारी जिंदगी। बंक मारा कभी? बहुत बार भाई। तो ये झूठी है ना? हाँ वो मैंने बताया कि यार मैं कॉलेज हूँ, मैं यूनिवर्सिटी हूँ। किया हुआ? आप घर में बताया हो? कोई मसला नहीं है। ये बंक मारा? कोई मसला नहीं है, वो बता के जाता। झूठ बोलते हो? इतना नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा झूठ भी यही,
आपने पकड़ लिया बस। इस इवेंट के बारे में क्या कहो? किसके बारे में? इस इवेंट के बारे में। अच्छा हो गया, अब आज का दिन बेहतर हो गया। क्या क्या खाया अभी तक? तो नोवो ही खाया और कुछ नहीं खाया। आपने क्या क्या खाया? सेम साथ है यार, मुझे लग नहीं लग रहा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। आपका? इस्तफा। क्या करते हो? मैं सर लॉकर। वेरी गुड यार, फिर तो डरना चाहिए आपसे। नहीं नहीं सर, कोई डरने वाली बात नहीं है। सच अभी कर रहे हो? फिर अभी नहीं डरते? बस लास्ट ईयर ही है मेरा। लास्ट ईयर? लास्ट ईयर ही है। तो फिर मैं एक साल के लिए ना डरूं? नहीं एक साल ना डरें, वैसे भी ना डरें सर, हर वकील एक जैसा नहीं होता। हाँ चलो वेरी गुड। ये हमारे साथ भी कुछ लोग हैं टीम में, वो भी उनमें भी एक वकील है, मैं आपको भी मिलवाता हूँ। खैर, इस इवेंट के बारे में क्या कहूँ? सर बहुत अच्छा फैमिली इवेंट है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, अच्छा लग रहा है, यहाँ की आउटिंग होनी चाहिए आपको। आप अकेले आए हैं? जी हम फैमिली के साथ हैं। पकड़ लिया मेरा पॉइंट। अच्छा तो क्या क्या खाया अभी तक? अभी तक सर कुछ नहीं खाया, अभी आए ही हैं, अभी खाएंगे इंशाल्लाह। किसी ने खाना नहीं दिया? अभी एंटर हुए, ठंड बहुत है तो खाने का। ठंड और खाने का क्या ताल्लुक? ठंड खाने से और ठंड लगती है। कर रही क्या खाना हमने? खाने से और ठंड लगती है। अच्छा यार मेरा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि झूठ कभी बोला है? झूठ ऐसा झूठ के और मजा आ गया। अरे सच आपका तो यार पेशा ही झूठ का है। मैं क्या पूछी जा रहा हूँ, गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैं। गलत बंदे से कोई चेंज करें, क्वेश्चन चेंज करें। कोई ऐसा मजेदार फनी सा झूठ के और तबाहियां फिर गई ने। झूठ सर बहुत बोले लेकिन अभी याद नहीं है कि मजेदार कौन सा। हमारे सारे झूठ अच्छे। दो चार दिन में कौन सा बोला? अभी बार ये बोल के आगे फैमिली के साथ है। हम अकेले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली। मेरा नाम भी अली है। नाइस टू मीट यू मैन। थैंक यू। क्या कर रहे हो यहाँ पे? एंजॉय। क्या किस किस्म का एंजॉय? एंजॉय मींस ये चल क्या रहा है, किस क्या इवेंट चल रहा है? ब्रदर इट्स अ हैप्पी विंटर्स मैन। आप अंग्रेज हैं? नहीं अंग्रेज नहीं है लेकिन इतनी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, उर्दू में बात करें। हमारे सारे व्यूअर्स पंजाबी और उर्दू समझते हैं। उर्दू उर्दू मींस एंजॉय हो रहा है ब्रदर, यहाँ पे काफी एंजॉय हो रहा है। वो आपके दोस्त कह रहे हैं पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, जरा वो बोल के सुना की हो रहे हैं। के हो रहे है ब्रदर, यहाँ पे समंदर है, समंदर के पार समंदर मछलियाँ ने, समंदर मछलियाँ ने, मछलियाँ का फेजन है और यहाँ पे एंजॉय हो रहा है। अच्छा मींस अ लॉट ब्रदर, मतलब के यहाँ पे। अभी तक क्या खाया? मछली खाई है, समोसे रोलियां और अंडे वाला बर्गर खाया है। और पिया क्या क्या? कोल्ड ड्रिंक पी है, कोल्ड कॉफी पी है और हॉट चॉकलेट पी है। वेरी गुड। और एंजॉय हो रहा है, विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं, सर्दियां एंजॉय। क्यों एंजॉय कर? बिकॉज ऑफ सम इवेंट, मतलब के। अच्छा यार ठीक है, मेरा ना आज का एक क्वेश्चन है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ आपसे पूछता हूँ, वो ये कि कोई ऐसा झूठ बोला हो जो कहा हो गया यार मजा आ गया, लाशा बिछ गई ने। झूठ ये बोला है कि खानदान वालों से ये कहा है कि यहाँ पे शादी एंजॉय करने आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इवेंट एंजॉय करने आए हैं जो कि लाहौर का लेक सिटी में एक कोक फेस्टिवल है जो कि एंजॉय करने आए हैं यहाँ। चलो ठीक है। जी व्यूअर्स, लड़कियाँ ले रही हैं सेल्फी, हम करते हैं उनसे बात आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महम। क्या करती हैं? मैं बीएस केमिस्ट्री कर रही हूँ कनेड से। इतनी मुश्किल चीज क्यों कर रही है यार? बस मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो उसके बाद इसमें एडमिशन ले लिया। अच्छा तो ये इस इवेंट के बारे में क्या कहो? ये इवेंट बहुत अच्छा है और आफ्टर इयर्स काफी एक साल में आई थिंक सेकंड बार हो रहा है और लाहौर में इस तरह के और इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि और खासतौर पर फैमिली इवेंट्स होने चाहिए और इस इवेंट को भी और फैमिली करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारी फैमिलीज जो है अभी इस इवेंट के बारे में इतना उनको नो हाउ नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा अभी वो करें। अच्छा खाना खाने की शौकीन है आप? जी हाँ थोड़ा। कितनी? थोड़ी कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा? थोड़ी सी हाँ। अच्छा खाना बनाना भी आता है? यस जी आता है। पक्की बात है? हाँ जी। पढ़ाई के साथ और ये कैसे? सिर्फ चाइनीज? नहीं चाइनीज और बेकिंग थोड़ा सा। आप चाइनीज हैं? नो आई एम नॉट चाइनीज। कॉन्टिनेंटल थोड़ा सा आता है। कॉन्टिनेंटल भी?
नो, कॉन्टिनेंटल में भी आता है, नॉट आई एम पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी खाना क्यों नहीं बनाती? बनाती हूँ, बट जो है स्पेशलिटी चाइनीज में, थोड़ा बहुत चाइनीज थोड़ा सा। लगता है कि आप वो केमिस्ट्री का वो पढ़कर आप शायद चाइना चली जाएं? नहीं, वो तो आपका फूड तो आपका दूसरा इंटरेस्ट होता है, और केमिस्ट्री आपका जो है वो आपका करियर का। मेरा ना एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जो हम पूछ रहे हैं आज झूठ के बारे में, जो फनी झूठ हम बोलते हैं लोगों के साथ मजे के, वो ऐसा कोई झूठ बोला जिससे लगा हो गया यार मजा आ गया आज से झूठ बोलने? मैंने किसी के साथ बोला हो या आपके साथ किसी ने बोला हो? नहीं, ऐसे तो कोई इतना कोई खास झूठ नहीं मेरी फ्रेंड से किसी, ना मैंने किसी फ्रेंड के साथ किया है, तो ऐसा कोई मुझे याद नहीं है। तो किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगी रिगार्डिंग दिस इवेंट? इस इवेंट के ये है कि फैमिलीज आए और इंजॉय करें, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। मैं अपनी सिस्टर्स के साथ आई हूँ, कल अपनी फैमिली के साथ आऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छा फेस्टिवल है, और इस तरह के फेस्टिवल्स पाकिस्तान में और लाहौर में और होने चाहिए, ताकि फैमिलीज को ज़्यादा टाइम इंजॉय करने का मौका। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा उस बात। जी मेरे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनकी मामा शायद यहाँ से कहीं इधर उधर चली गई हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं कि वो इस तरह घूम गए हैं तो कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतने छोटे छोटे अकेले घूम रहे हैं, क्या चक्कर है? हम लोग इंजॉय करने आए हैं, हमें अभी डोंट केयर कोई हमारे साथ आया है नहीं आया, हम इंजॉय कर रहे हैं। फूड इज सो गुड हियर, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है, इतनी सर्दी है कि फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंजॉय। आपने अपनी मामा की बात क्यों नहीं मानी? आपकी मामा ने कहा था स्वेटर पहन के जाओ, तो आपने क्यों नहीं पहना? मामा ने कहा है मुझे इंजॉय करने दो और यहाँ से चले जाओ, आप अपना इंजॉय करो, हम मामा से मिलवाती हूँ मैं। अच्छा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस इवेंट? इट्स वेरी गुड एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट एंड दैट्स इट। दैट्स इट। मेकअप नहीं करना चाहिए इतना। बच्चों को मेकअप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आज मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैं ना झूठ के बारे में पूछ रहा हूँ, जो हम फ्रेंड्स आपस में बोलते हैं सब, और किसी के वार्ड लगाते हैं टांग खींचने के लिए झूठ बोलते हैं ना, उस तरह का ऐसा वो झूठ बोलो जिससे लगा हो कि यार मजा आ गया झूठ बोलने का, तबाहियां फिर गई हैं। वो ये कि मैं बताऊं, सोनी आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लिटरली लग रही हो कमाल, किलिंग किलिंग यू किलिंग, ये झूठ था? ये झूठ था और ये कभी सच नहीं हो सकता। धोनी बहुत प्यारी है और वो बहुत अच्छी लग रही है आज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी मौजूद है, और वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दें, अगर मैं दूंगा, अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी तो शायद मुझे इनसे मारना पड़ जाए, तो आइए उन्हीं से पूछते हैं उनका इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। जी मेरा नाम असद शेख है, आई एम द फाउंडर ऑफ फूडीज अरास, और आई एम अ पार्टनर इन द सोल फेस्ट, सो आज लाहौर में रौनक लगाई हुई है। अच्छा सर, ये इवेंट जो है इसका लेवल हर साल के साथ बढ़ता क्यों जा रहा है? Well, mashallah, you know, Lahori, especially, you know, they love going out and hanging out and the food as well. Lekin hamare paas entertainment koi nahi hai ab. So this is the only source of entertainment that Lahore has, or even Pakistan has. Sir, food ki taraf hi aap kyun matlab itna matlab kar rahe hain, partner hain aur is event ke bhi, to food ki taraf itna kaam kyun kiya ja raha hai? Entertainment food ki taraf. Dekhiye, hamare culture mein food is a very important part. You know, खुशी हो तो खाना है, गमी हो तब भी खाना है, ठीक है? सो खाने के साथ म्यूजिक का एलिमेंट ऐड कर दिया है, मिर्च मसाला डाल दिया है, हांडी तैयार। आप कितने बड़े फूडी हैं जरा ये बताएं। ये सारे जो स्टॉल है मेरे, हैंड पिक स्टॉल है मेरे। वेरी गुड सर। और सर, लाहौरिये आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में कितने बड़े फूडी हैं? अगर हम ऊपर नहीं तो हम नीचे भी नहीं है, वी आर वेरी मच देयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद है, हम उससे करते हैं बात और जानते हैं इस इवेंट के बारे में और जानते हैं कितनी बड़ी फूडी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सा। आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपको देख के मैं खुद आया, मैंने कहा यार मैं इसका सोड़ लेता हूँ, इसके साथ बात करता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, वेलकम। और मुझे बताएं कि क्या कहेंगी इस इवेंट के बारे में? बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए पाकिस्तान में, और सिक्योरिटी यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत फाइन है, और एज अ गर्ल मुझे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, मैं बहुत फ्रीली घूम रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो अगर इस तरह के इवेंट होते रहेंगे तो क्या करेंगी आप? आती रहूंगी और क्या करूंगी। अभी तक क्या क्या खाया आपने? मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया।
आपको फिर कुछ खिलाया जाए? हाँ जी बिल्कुल। क्या खाएं? जो आप खिला दें। आपने क्या खाया? जो आप खिला दें खुशी से मैं खा लूंगी। चलो मैं कुछ सोचता हूँ आपके बारे में। अच्छा मुझे ये बात बताएं, आज मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन है झूठ के बारे में, जो हम फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं उनकी टांग खींचने के लिए वैसे फन में। तो ऐसा कोई झूठ बताएं जिसे लगा हो कि यार बड़ा कमाल झूठ बोला। मैं बहुत सच्ची लड़की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इतनी सच्ची लड़की, इतनी सच्ची लड़की तो मैंने मतलब पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी। नहीं मैं सच में झूठ नहीं बोलती। की बात है। सबसे बड़ा झूठ भी यही है, यही है कि मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकरा लतीफ। क्या करती हैं? मैं लॉयर हूँ हाई कोर्ट। वेरी गुड, मैं तो अभी आपका मजाक बनाई जा रहा था, मुझे तो बाद में पता चला आप। देख लिया आपको पता है? मैं मजाक नहीं, नहीं आप मतलब बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे बात बताएं कि ये इवेंट में क्या क्या खाया अभी तक आप? हम लोगों ने अभी तक कॉफी ट्राई की है, और उसके बाद हम लोगों ने सूप ट्राई की है, और उसके बाद हमने एंजॉय किया लाइक कॉन्सर्ट। मैं एंजॉय की बात नहीं कर रहा, मैं खाने की बात करूं। खाया क्या? आप मुझे देख के क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी तरफ से? नहीं नहीं, हम लोगों ने अभी तो खैर अभी हम लोग एक्चुअली आए, थोड़े लेट है, डिसाइड कर रहे हैं। अभी हमने सूप पी है, आगे सारा कुछ ही जाना, कॉफी ली है, हाँ उसके बाद जाएंगे, और अभी हमने कॉन्सर्ट एंजॉय किया है। असल में आपने मुझे पहले लिया है, तो अभी हम लोगों ने भी देखना है। अच्छा मेरा आज ना एक क्वेश्चन है, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ, वो ये झूठ के बारे में। वैसे तो मतलब आपका जो प्रोफेशन है वो तो बेस ही झूठ के ऊपर कर रहा है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मुझे बात बताएं ऐसा कौन सा झूठ बोला है, पॉजिटिवली नेगेटिवली नहीं, कि जिससे लगा हो यार मजे आ गए, क्या झूठ बोला है, वाह वाह हो गई है सब जगह। आप कहेंगे कि एग्जैजरेट कर रही है बीइंग लॉयर, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई झूठ बोला नहीं। सबसे बड़ा झूठ भी यही है। नहीं ऐसा कोई झूठ नहीं है। की बात? सीरियसली मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, दैट इज माय क्वालिटी। ये भी झूठ है? नहीं नहीं, ये क्वालिटी है, और ये यू कैन से अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बट ये रियलिटी है। मैं झूठ ही बोलती, मैं कहती हूँ। नहीं आप इतनी इंग्लिश क्यों बोल? मैं पढ़ी नहीं, मेरी कितनी प्रॉब्लम है? मैं लॉयर हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉयर वो ही नहीं है जो मीडिया दिखाता है, लॉयर एक्चुअली ऐसे हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरुज। ये दांत आपके कहाँ गया? चूहा ले गया? चूहा ले गया? कौन ले गया? टूट गए हैं? यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हंसी जा रही हो? हमने लोगों से की बातें और बड़े मजे मजे के उनसे किए सवालात और जारी रखा अपने फन को, लेकिन अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अभी गए, अभी आए, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ऑन कैमरा।